हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किस स्विंग के स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको कि आप अपनी वॉचेस में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा स्विंग के स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा स्विंग के स्टॉक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टॉक का डेली चार्ट है। आइए बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पर, ये स्टॉक अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेजेस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक के आज के ट्रेडिंग सेशन के जो वॉल्यूम थे वे भी इसी स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा गई थे। ठीक है फ्रेंड, आइए अब बात करते हैं चार्ट पर ड्रॉ सपोर्ट जोन की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट पर हमने एक ब्लू कलर का सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है। पिछले 1.5 महीने से ये स्टॉक इस सपोर्ट जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और इस सपोर्ट जोन पे ये स्टॉक पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से एक सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बाइंग लेवल की। अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉचिस में ऐड कर सकते हैं। इस स्टॉक का आज का दिन का हाई है, उसका लेवल है 738.95। तो जैसे ही स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में या आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 738.95 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है विद हाई वॉल्यूम, तभी स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं आज के दिन के कैंडल के लो के पास में, जिसका लेवल होगा 719.80 और ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर। टारगेट देखने को मिल सकते हैं 758.65 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 774 का और तीसरा टारगेट होगा 790 का। ठीक है फ्रेंड, ये तो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब आप इस स्टॉक को अपनी वॉचिस में ऐड कर सकते हैं और जैसे इसमें डिस्कस करके लेवल्स आते हैं तब आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए छोटे स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।